Hey there fellow creators, welcome back to my channel and today I have a very fantastic topic for you all. Today we are going to learn how to add a title, a text on your videos in Adobe Premiere Pro. Adding text is a very fantastic way to enhance your videos, whether you provide some details, some context or engaging your audience with a very captivating titles. So let's dive right in. Okay. First, open up Premiere Pro and import your video on the timeline. Then, head over to the toolbar and search for text tool or type tool. There you have two options, type tool and vertical type tool. यहाँ मैं आपको only type tool के बारे में बताऊँगा. Select the type tool और आपकी जो preview window होती है, आपको directly वहाँ पर click करना है. आपका एक dialog box ready है. और नीचे देख सकते हैं ग्राफिक्स लेयर क्रिएटेड है, वही है आपकी टेक्स्ट लेयर. सो हम इस रेड बॉक्स में टाइप करेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी टाइप कर लेता हूँ रेन. ये मैंने टाइप कर लिया. अब अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना है आपके प्रीव्यू विंडो में ही, यहाँ से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो. देन इस तरह से आप इसे बड़ा और पोजिशनिंग कर सकते हो. लाइक आई पोजिशन इट इन द सेंटर. देन अब अगर मुझे इसकी फॉन्ट चेंज करना हो और इसमें कुछ और चेंजेस करना हो, तो पहले मैं इस पर डबल क्लिक कर लूँगा. सारे लेटर्स सिलेक्टेड हैं. देन यहाँ पर हमारे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पैनल में यहाँ पर एक आपको लेयर दिखेगी, ग्राफिक्स लेयर टेक्स्ट की. इसे ड्रॉप डाउन करना है. यहाँ से आप सारे लेटर्स सिलेक्ट कर लीजिए. देन ये जो सोर्स टेक्स्ट के नीचे ये है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. यहाँ से आप ड्रॉप डाउन कीजिए. Then you have variety of fonts. आप इन्हें नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और पहले से कुछ इम्पोर्टेड रहते भी हैं, तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ. देन यहाँ से आप उसका रेगुलर, इटैलिक, जो भी उस फॉन्ट में अलग अलग वर्जन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अब जैसे हमने इसमें फॉन्ट चेंज कर लिया, तो मैं इसे पहले अपने विंडो के सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे. और अब मान लीजिए सारे लेटर्स के बीच में स्पेसिंग बहुत कम है, तो उसके लिए हमें पूरे लेटर सिलेक्ट करने हैं. देन यहाँ पर ये जो VA लिखा हुआ है इसके आगे ज़ीरो है, यहाँ से हम लेटर्स के बीच की स्पेसिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी रखनी है. मैं जैसे अगर इसे इंक्रीज करता हूँ, लेटर्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है. हर एक पर्टिकुलर लेटर के बीच जो स्पेस होती है वो बढ़ेगी. आप कुछ लोग होते हैं जो स्पेस ऐड कर करके भी कर लेते हैं, बट वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, उसमें उतना अच्छा लुक नहीं आता है. आप यहाँ से सिंपली बस यहाँ की वैल्यू बढ़ा के बीच की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं. अब मैं इसको वापस सेंटर पर ला लेता हूँ अपने विंडो के. अब मान लीजिए आपको इसमें शैडो ऐड करना है या फिर इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपीयरेंस सेक्शन जो है वहाँ पर आप पहला है फिल स्ट्रोक बैकग्राउंड शैडोज. तो हमें अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम फिल वाले पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कुछ भी कलर रख सकते हैं. जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ, हमारे जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा. और स्ट्रोक मतलब बॉर्डर, हमें अगर हमारे टेक्स्ट पे बॉर्डर देनी है तो हम यहाँ से पहले तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड नहीं होता है, हमें यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करके अनेबल करना है. देखो पहले ही यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुकी है. यहाँ से हम उसकी थिकनेस डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी थिकनेस रखना है. सबसे लोएस्ट 1 होता है. और फिल की तरह ही आप यहाँ पर क्लिक करके स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं. और मान लीजिए आपका कोई एक पर्टिकुलर कलर है, आपको आपकी जो वीडियो में जो कलर्स है उससे मैच कराना है, या कुछ भी कलर आपके प्रीव्यू में है उससे मैच कराना है, तो फिल स्ट्रोक इन सब के बाजू एक आई ड्रॉपर होता है. आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप किसी भी चीज़ का कलर पिक कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट में लगवा सकते हैं. देन मान लीजिए आपको शैडो ऐड करना है, अपनी जो टेक्स्ट है उसमें शैडो करना है, तो यहाँ से शैडो में भी आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर लीजिए. देन यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे ये ट्रांसपेरेंसी, आपका शैडो कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम लाइट या एकदम डार्क कैसा होना चाहिए. यहाँ से आप शैडो का एंगल डिसाइड कर सकते हैं कि किस एंगल पर आपका शैडो होना चाहिए. जैसे कि अगर हम यहाँ से चेंज करें तो 360 एनीवे यू कैन प्लेस योर शैडो.
यहाँ से आप डिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं कि आपके टेक्स्ट से आपके शैडो का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब कितना दूर होना चाहिए शैडो। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके शैडो कितना विड्थ होना चाहिए आपके शैडो का, मतलब एकदम मोटा, एकदम पतला, टेक्स्ट जितना, या किस तरीके से आपके शैडो होना चाहिए। एंड इस वाले से आप उसका फेदर डिसाइड कर सकते हैं, मतलब आपका टेक्स्ट का जो शैडो है वो एकदम शार्प होना चाहिए या थोड़ा ब्लर्ड शैडोड होना चाहिए वैसा। एंड जैसे मैंने पहले बताया था, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन साइज। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर से भी उसका पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। नाउ यू नो हाउ टू ऐड फैंटास्टिक लुकिंग टेक्स्ट ऑन योर वीडियोस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई होप यू लर्न हाउ टू ऐड टेक्स्ट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। इफ यू एंजॉयड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल्स लाइक दिस।